नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम पहुंची है पूसा कृषि मेले के अंदर। वहीं पर हमें एक महिला जो है उनका जो स्टॉल है वो देखने को मिला है, जो कि लोगों को यहां पर काफ़ी मनमोहक लग रहा है। काफ़ी उनको जो हम इनके प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं वो काफ़ी सेहतमंद है, और उनको खाने से आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। आइए आपसे आप उनकी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं तृप्त ऑर्गेनिक्स की फाउंडर हूँ। मेरी वैसे जो क्वालिफिकेशन है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन MCA, MCA की हुई है, बट ये जैसे मुझे शौक था अपने बच्चों को अच्छा खिलाने का, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ। वही दिख रहा है कि इसे काफी हेल्थी प्रोडक्ट है। हाँ, इसको हमने तभी वो किया भी क्या क्या हम ले सकते हैं, तो मुझे मिलेट्स का पता चला, तो हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। तो अभी जैसे मिल्स दिवस हम मना भी रहे हैं इस साल, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि कैसे हम दोबारा से अपनी थालियों में मिल्स को वापस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल, वो मुझे लगता है अभी जैसे हमारी यंग जनरेशन इतनी फूडी हो चुकी है, टेस्ट बढ़ जितने डेवलप, जब हम उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ नई फॉर्म में अपने ग्रेन्स को भी, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ना खत्म हो, भी उस तरह से यूज करें, तो मुझे लगता है उसी में वो हमें अच्छा है। तो आपके प्रोडक्ट्स है, इनकी कितनी वैरायटीज हैं, कौन किस तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं? हमारे प्रोडक्ट्स में जो मिलेट्स हैं, मेन ग्रेन्स हैं, श्री धान्य है, उनके सारे फर्मेंटेड फ्लोर्स हैं। हम सारे अनाजों को धो के भिगो के फिर उनके आटे बनाते हैं, और रागी मॉल्ट बनाते हैं। जो फिंगर मिलेट है उसमें कैल्शियम 344 mg है, जब हम उसको स्प्राउट करके रागी मॉल्ट बनाते हैं तो वो और भी हेल्दी, उस कैल्शियम एंड रिच हो जाता है। तो आप किसान से उसकी जो फसल है उसको लेके उसको प्रोसेस करके खुद से और खुद से पैकेजिंग करते हैं? तो ये काम आप कब से कर रहे हैं और आपको कितना टाइम हो गया और आप कहाँ से अब कहाँ हैं? ये मुझे 3 to 4 years हो गए जब हमने स्टार्ट किया था, जस्ट फ्रॉम मिलेट से किया था। फिर हमने फ्लोर्स इंट्रोड्यूस किए, उसके रागी मॉल्ट किया, अब बेकरी स्टार्ट की, स्वीट्स, जैसे जैसे हम प्रोसेस्ड में, जैसे यंगस्टर्स का टेस्ट, बड़ों का टेस्ट देखते देखते, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बढ़ी जा रही है। तो आपने 3 साल पहले जब शुरू किया था, क्या आपको लगा था उस टाइम पे कि आपको इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है? जो हम भी काफ़ी 2 दिन से देख रहे हैं कि आपकी स्टॉल पर काफ़ी भीड़ रहती है, जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तो अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के लिए किया था वो, तभी इतना जैसा एक्सपेंड किया, तो हमने अपने लोकल और लोगों को देना शुरू किया, तो उसकी जैसे जैसे मतलब हमारी मार्केट बढ़ती गई, तो उसके बाद मैं PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हुई, क्योंकि उसके बाद हमें अपना यूनिट बड़ा करने की वो पड़ गई, तो उससे मुझे लगा भी काफ़ी लोगों में है। तो अभी आपके पास कितनी टीम है और आपको आप इसको कैसे प्रोसेस करते हैं? जो हमारी टीम है, हमारी प्योर सभी लेडीज़ की टीम है, तो मेरे पास 10 जो है ऑन मतलब ग्राउंड हमारे वर्कर्स हैं, बाकी जो हैं डेली वेजेस वाले वो सब अलग है, डिलीवरी बॉयज़ वगैरह, तो वो सब एक्स्ट्रा है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें मेन प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं? मेन प्रोडक्ट्स जो होता है, जो डेली रूटीन पे लोग लेते हैं, वो मिलेट्स एंड फ्लोर्स लेते हैं, और जो मंथली लोगों का होता है, रागी मॉल्ट अपनी कैल्शियम्स के लिए, लोग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मॉल्ट भी जाता है। जो स्वीट्स हैं वो उनकी हम स्वीट्स की और बेकरी की, वो हम कैटरिंग भी कर देते हैं जैसे फंक्शंस पे, रागी मॉल्ट की भी, तो वो उस बेसिस पे जाते हैं। स्वीट्स में हम जो शुगर का जो रखते हैं, जो शुगर मिलाते हैं, वो शुगर जो आम जो बाजार का शुगर होता है या कोई? नहीं, हम चीनी तो बिल्कुल किसी में भी नहीं यूज करते, क्योंकि है ना वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, वैसे ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर यूज करते हैं, बट जो लोग वो भी नहीं लेते, फिर उनके लिए पाम जैगरी पाउडर लेके आते हैं। ठीक है, तो आप ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप इनको कहाँ कहाँ बेचने का काम करते हैं? अभी तक तो हमारा यूनिट इतना छोटा है, भी हम उसे लुधियाना और जो हम उसके बाहर भेजते हैं, करियर करते हैं, तो वहाँ तक कर पा रहे हैं। मतलब आप अभी ऑनलाइन बेचने में आपको? हाँ, ऑनलाइन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया अभी, इसको प्रोसेसिंग में ही है सारा, हमारी साइट बन गई है। तो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि एक ऐसा कुछ खड़ा करते हैं? जब मैंने अपने लिए स्टार्ट किया, तभी PAU का फर्स्ट जो था बैच स्टार्ट हुआ था पूसा कृषि के साथ, उनकी वो उड़ान और उधम से, तभी उसी में मुझे सर कर वहाँ से रमनदीप सर ने मुझे उसका दिया, वो PAU डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने मुझे कहा भी आप इसको फिल करो, तो वो इतने स्टूडेंट्स में से 10 जब सिलेक्ट हुए, इसमें मैं सिलेक्ट हो गई, तो वो एक उस अपने आप में एक खुशी की बात थी। मतलब है थोड़ा सा एनर्जेटिक मोटिवेशन आपको वहाँ से मिलता है। तो एक महिला होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये सब प्रोडक्ट्स कहीं लेके जाते हैं? तो मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे लगता है भी कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार चल पड़ो तो सब कुछ है। तो किसान साथियों देखिएगा, एक महिला का जो ये जोश है, ये पता नहीं कहाँ रुकने वाला है। हम भी चाहते हैं कि ये फूले फले और इनका जो व्यापार है वो आगे तक चले। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू भैया।